गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। एक चीज दिखाऊं आपको, एक चीज दिखाऊं। ए, देखो, देख रहे हो? अभी तक सो रही है बंदी। कोई मतलब ही नहीं ऐसे घर में चोर आ जाए, कोई चोर ही ले जाए करके। सोना है, सोना है, सोना है बस। और आज मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद घूमने के लिए। वहाँ पे कुछ बात हो गई है चाचा के लड़के के साथ, वो मैं आपको बताऊँगा वहीं जाके। मगर पहले उससे कोचिंग पढ़ के आना है मुझे। कोचिंग पढ़ के आने के बाद तब फिर वहाँ के लिए निकलेंगे मैं और मम्मी। फिर बताता हूँ आपको क्या हुआ था सारी बातें। अब नहा धो के ऑल सेट, बस शर्ट पहनी रहेगी। फिर देखते हैं जहाँ हमारे कदम हमें लेके जाएंगे, फिर वहाँ चल देंगे। हमें तो हमारे कदम लेके जाते हैं जहाँ भी, हम नहीं जाते खुद, ये लेके जाते हैं। मैं कहा चलो तो भाई हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम ही क्या करेंगे यहाँ पे। भाई ये देख रहे हो, सुबह सुबह मैं कोचिंग जा रहा हूँ, देखना कितनी धुंध हो रही है। यार बड़ा परेशान हूँ, देख तेज मारता। मैंने इसकी वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें पता लाइक की आवाज़ आ रही है, वॉक नहीं। तो सोच रही है पता नहीं कहाँ से आ रही है। देखना कैसे बैठी है, ऐसे कौन बैठता है बदतमीज, चाट ले मुँह को। नहीं आती हूँ देखो बैठना, इसका मम्मी की चुन्नी पे बैठी है, सही कर देगी ऐसे आगे भी अभी पिटेगी। मम्मी की चुन्नी उठा के ले गई और आराम से उस पर बैठी है। और भाई हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं अब गाजियाबाद के लिए, क्योंकि दूसरा घर जो है वो गाजियाबाद में चाचा रहते हैं, तो चाचा के पास जाना है मुझे। तो अब बस 5 मिनट में निकलने वाला हूँ और 1 घंटा लगेगा पहुँचने में वहाँ पे। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। मुझे हंसी भी आ रही है थोड़ी सी। पता क्या हुआ, ये घोंचू मेरा दोस्त ये मेरा भाई है छोटा, तो ये गाजियाबाद में रहता है। तो इसको कल क्या हुआ कि दो लड़कों ने उठा लिया, बाइक पे बैठा लिया इसको, उठा के वो फिर लेके जा रहे थे, पता नहीं क्या करते क्या नहीं। ये पता नहीं रास्ते में कैसे इसने उनकी बाइक से कूद के उनको गिरा के भाग के घर पे आ गया। तो अब हम पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहाँ पे एक दरोगा था, उसने हमें थोड़ी सी दबाने की कोशिश करी थी, कुछ वर्ड उसके ऐसे थे। उसने बोला कि आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपको समझ होनी चाहिए, जो इस काम को कर रहा है तो वो फिर इसको पूरा ही करके हटेगा। ये तो यानी कि तुम्हारा इतना सा बच्चा उनसे छुट के आ गया। तो सर कहने का क्या मतलब था यार, आप लोग ही बताओ। इसका हाथ भी उन्होंने तोड़ दिया, इसमें चोट आई है, पर कोई नहीं, ठीक ठाक घर पे है अच्छे से। और अब देखेंगे, एक और दरोगा थे वहाँ पे, उन्होंने बात हुई है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा उनको। एक हॉस्पिटल है उधर की साइड से भगे थे वो लेके, तो देखते हैं अगर उसमें आती है उनकी बाइक तो आएगी तो 100% वैसे, क्योंकि उधर के रास्ते से गए थे वो, तो आएगी। तो अब वेट कर रहे हैं शाम होने का, उन्होंने बोला कि शाम को या दोपहर को जब भी उनको टाइम मिलेगा तो आएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे भी होगा। और हम पुलिस स्टेशन से बिल्कुल अभी आए हैं घर पे, बस अभी आके बैठे। तो मैं इतना कहना चाहूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें और अच्छे से रहे, केयरफुली रहे, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे उठाने वाले आ रहे हैं, जगह जगह खबर आती है, आप देखते भी। और अंधविश्वास पे विश्वास ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत से लोग अंधविश्वास ही फैला रहे हैं। उठाते भी नहीं, उनके दुश्मन होते हैं, लेकिन बोल देते कि बच्चे उठाने वाले आए थे और हमारे बच्चे को ले। बहुत सी जगह है, बहुत सी जगह नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं है, होता है ये सब चीज़, क्योंकि हमारे साथ तो हो चुकी है, बीत चुकी है कल रात ही। तो बी अलर्ट, बी सेफ। दिखाइए अपना हाथ, दिखाइए जो तोड़ा कल बर्थडे था बेचारे का इसका। चोरी का माल चुटा के लिया है। और गाइस मैं आ चुका हूँ इस टाइम घर पे, बिल्कुल लगे आया हूँ, 6:30 बज चुके हैं। तो यार हिम्मत की बात है जी, मेरे चाचा का बेटा इतनी कम एज है उसकी, 12 साल एज है, और वो इतनी दूर से
जंगल के रास्ते खेतों खेत भग के वो घर पहुंचा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोल रहे हैं कि यार हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब ये लड़का आपका सच बोल रहा है। इतना सा उन्होंने कहना ये है, मतलब एक दो होते हैं लोग, कुछ नमूने होते हैं ऐसे पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में, गाँव में, वो बोल रहे हैं कि इतना छोटा सा लड़का दो आदमी की पकड़ से कैसे छूट के आ गया। यार नसीब कह लो या फिर कुछ भी, अब उसका हार्ट टूट रहा है, उसको चोट आई है पैर में, उसको लोहे के तार बंधे होते खेतों में वो भी उसके पैर में लगे हैं, वो कैसे लगे फिर अगर वो झूठ बोल रहा है तो। हमारा लड़का हमारे पास वापस आ चुका है, हम बहुत खुश है, भगवान की मेहरबानी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और ठीक ठाक सही सलामत हमारे घर पर है। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए।